नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल इंदौरा इस वक्त मैं उचाणा के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हरियाणा के जो विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज इनेलो और बसपा की महारैली का आयोजन आज उचाणा के अंदर किया गया है। हरियाणा के हर एक हलके से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं कि अब की बार उनके हलके से कौन कहाँ से जीत के विधायक बनता है। बंद कर दे, अब नहीं कहना आ जा दोनों। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम डॉक्टर लाल सिंह मलिकपुर और हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है विधानसभा मुलाना जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारा वहां से जो हल्का से प्रकाश भारती जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, वो हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे अंकों से आज दूसरी पार्टियों को पछाड़ते हुए नंबर वन पे पोजीशन बनाए हुए हैं। आज कितना बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम किया गया। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभकारी लाभकारी जो आए हुए यहाँ के आयोजक हैं और कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरने वाला है। आने वाला समय इस काफिले से ये लग रहा है कि आने वाला समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल से जो अभय सिंह चौटाला जी है हमारे, वो हरियाणा की राजगद्दी पर बैठने को तैयार है। कितने लोग आए हुआ? हम वहाँ से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां आई हुई हैं जिन गाड़ियों में कम से कम 20-25 आदमी बड़े बड़े ट्राले लेकर के आए हुए हैं जो विधानसभा मुलाना से आए हैं। क्या नाम है जी? नंदर है। अच्छा, तो आज उचाणा के अंदर महारैली की गई है नेलो और बसपा की तरफ। किसों का प्रोग्राम करा के? इसका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जी। हमारे लिए तो हमने तो ऐसा प्रोग्राम आज तक कहीं देखा नहीं था। हल्का तो नरवाना है। अच्छा, जी तो केला नरवाना में पूरा जोर है जी हमारा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी? गोविंद दास। अच्छा, केला क्या आपके बार? बहुत बढ़िया है जी, बेस्ट काम है, पूरा काम लग रहा है। आज उचाणा के अंदर इतने महारैली की गई है बड़ी। हाँ जी, आयोजन बहुत बढ़िया करे गए। हाँ, क्या कुछ होगा? कितना बंदा रहे? कौन सा हल्का है? हाँ, तो नरवाना है। अच्छा, केला का नरवाना बढ़िया है, बहुत तगड़ा मोल है। अच्छा, किसो प्रोग्राम करा के ले लिया? जमा बढ़िया करके रोड पे देख लो जाके। है ठीक है, आई मैं अनुभव हूँ। जिस पार्टी यही मजबूत थी और मायावती की पार्टी मिली हमें तो हमें और भी बहुत ज्यादा मजबूती मिली है हरियाणा में। हम ये सरकार लेके मानना है, पक्की आओगी जिंदाबाद। क्या नाम बताओ? रवि दास। अच्छा, कौन सा हल्का है? टुवाणा। अच्छा, केला का आपकी बार टुवाणा हूँ। टुवाणा केला का है? फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद है? अच्छा, केला का फतेहाबाद आपकी बार? मायावती ने छुट्टा नहीं दिया वहाँ। अच्छा, उचाणा मात रैली करे गई है, किसो प्रोग्राम है? बहुत बढ़िया है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, तगड़ा तगड़ा प्रोग्राम। कितना आदमी आ रहे हो फतेहाबाद? मैं तो कहता हूँ फतेहाबाद हल्का वो जिला हमारा फतेहाबाद। कितने का आदमी आ रहे? 4-5 गाड़ी है। आज रैली प्रोग्राम करेंगे, किसो प्रोग्राम? जमा बढ़िया आज। अच्छा, मोल बढ़िया पूरा? जमा पूरा मोल है। अच्छा, जमा पूरे जिताएगा छोटा है। नरेश कुमार है जी। अच्छा, कौन सा हल्का है? हल्का उचाणा। अच्छा, केला का आपकी बार उचाणा? हल्का कोई उपचुनाव पारस पास है बिल्कुल। अच्छा, 100% इन लोअर बेस पे सरकार बनने जा रही है। आज झंडा और झंडा दोनों लेके आ रहे हो? आज दोनों लेके आ रहे हैं। उचाणा मात्र रैली प्रोग्राम किसो करा के है? हाँ जी, रैली कितना बढ़िया प्रोग्राम है। रैली बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। अच्छा, एक तरफा मोल बना हो गया बिल्कुल से। अच्छा, हाँ जी, सारे समीकरण है, सारे चेंज हो चुके हैं, तो एक तरफा सरकार बनेगी जी। जाएगा जा लोग और बसपा गठबंधन से निर्वाचन से के नाम है जी? सुनीता जी। अच्छा, कौन सा हल्को है? हम कच्छ से आए जी, क्लास हल्का से। अच्छा, आज उचाणा में किया? हाँ जी। उचाणा में कैसे आए आज? उचाणा में मायावती कुमारी जी आ रही है आज। अच्छा, हाँ जी। कितना बढ़िया प्रोग्राम कर रैली का? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे जी। आप नजर पसार का देख लो, सारा भीड़ भीड़ दिख रही है जी। कितने बंदे आए उचाणा से? कच्छ से। कच्छ से पता नहीं, सारी जी बोली उठा रही है चार बस 35 गाड़ी आ गई। बहुत आ रहे, बहुत आ रहे। कौन बोल रहे हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सर मैं राजेश कैलरम पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा का था। आज उचाणा के अंदर रैली का कितना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है? आज रैली के अंदर पूरे हरियाणा भर से लाखों लाखों लोग आएंगे और आज ये रैली रिकॉर्ड तोड़ साबित होगी। और ये जो रैली जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँच रही है, तो आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चूल हिल जाएगी रैली देखकर। पलड़ा किसका भारी लगता है? पलड़ा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। पूरे पूर्ण बहुमत से 50 से 60 सीटों के आसपास हम सीटें जीतने जा रहे हैं हरियाणा में। क्या लगता है अबकी बार कैथल से? अबकी बार बिल्कुल गठबंधनी सरकार बनने जा रही है और जैसे पीछे भी कहीं कांग्रेस को भी देखा बीजेपी को भी देखा, अब की बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और पूरा बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की सरकार बनेगी। अच्छा, आज उचाणा के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये तो अभी पब्लिक और बाकी है रैली के। हम जब भी मायावती हरियाणा के अंदर आती है तो यहाँ मेला ही लगता है और भारी संख्या में पूर्ण बहन मायावती जी को और ओम प्रकाश चौटाला जी को सभी को सुनने के लिए आए हैं और सभी अपने दिल में काश लेकर आए हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी बोलिए, क्या कुछ कहेंगे उचाणा के अंदर आज रैली का प्रोग्राम रखा गया? रैली का जो स्थल चुना गया है बिल्कुल हरियाणा का दिल, जो राजनीतिक दिल होते हैं ना, वो जींद जिला माना गया है, तो बॉर्डर्स को समझ के ही ये दिन चुना गया माननीय ताऊ देवीलाल की जन्म जयंती पर। और रैली बहुत रिकॉर्ड तोड़ होगी आज तक, तो जींद में इतनी जन सैलाब नहीं आया होगा जितना आज इकट्ठा हुआ है। बहन जी की रैली नहीं है, ये रैला है। यहाँ इसको देखकर सभी विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ जाएंगी और मैं अपने पूरे हरियाणा के दलित समाज के लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा, कांग्रेस ने और बीजेपी ने पूरे हरियाणा के दलितों का अपमान किया है। उन्होंने जिस तरह से बहन शैलजा का अपमान किया है, अशोक तंवर जी का अपमान किया है, इससे बढ़िया मौका नहीं है हरियाणा के दलितों पर बदला लेने का। और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है जो पूरे बहुमत से जीत दर्ज करेगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। बस सोहल, कौन सा हल्का है? नरवाना जी। अच्छा, तो आज उचाणा के अंदर रैली का प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बहुजन समाज एक तरह तो हो गया है, यहाँ मायावती के दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहन जी के साथ हैं। जय भीम जय भारत। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आज रैली का आयोजन? बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब, घना धाकर माहौल। कितनी भीड़ है? भीड़ बहुत है, देख लो बच्चों ने दिखना है रिपब्लिक कितनी है, है भी कौन पकड़ दी टूटन हो रही है। तो केला का आपकी बार हल्का? आपकी बार इनाल लो बीएसपी भाई साहब गठबंधन कामयाब है, पूरे पूर्ण बहुमत आएगा, ये चीज में कोई दोराय नहीं है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आज रैली का? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गिल्ला रहा जी, आने वाले सीएम हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आज लाखों की संख्या में आप भीड़ दिखा सकते हैं, एक बार लाखों की संख्या में आज आकर के लोगों ने इस सीट पे मोहर लगा दी कि इनेलो बसपा गठबंधन की विजय होगी और बहुमत के साथ सरकार आएगी। हम लगभग 40-42 से ज्यादा सीटों पे तो ऐसे हैं जिसमें एक तरफा माहौल बन चुका है और 15-20 सीटों पे ऐसे हैं जहाँ पे हमारी फाइट है दूसरी पार्टियों के साथ, कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी कहीं भी लड़ाई में नहीं है। इनेलो और हाथी एक तरफा निकल के जाएंगे, हाथी के चेहरे पे चश्मा लगेगा और कहीं भी फूल और आंख नजर नहीं आएगा, आप देखना चाहोगे, यही होने वाला है। सिरसा जिला ही रानिया तहसील बुढ़ोलेवाड़ी गांव है। बुढ़ोलेवाड़ी गांव है जी, इधर है। सिरसा जिले की 5 सीटें इनेलो की और बसपा गठबंधन के कारण जीत में है पूरी। उचाणा के अंदर रैली का प्रोग्राम कितना बढ़िया करा के है? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, हुमर मार के भीड़ पहुंच रही है, आप देख ही रहे हो चारों तरफ जहाँ रोड जाम हो चुके हैं चारों तरफ, और यहाँ पे भी पैर रखने को भी जगह नहीं है, आपके सामने ही है सब कुछ। अब की बार बदलाव चाहिए था जनता को और बदलाव मिलेगा, जनता खुद अपने हाथ से बदलाव करेगी हरियाणा का।
और आने वाले सीएम अभय सिंह चौटाला ही होंगे, उनके बिना हरियाणा का ना तो, हरियाणा की गरीब जनता का ना तो कोई सुना मसीहा था ना कोई है। अभय सिंह के बिना यहाँ पे कोई नहीं है मसीहा, सभी अपना काम देखते हैं और पार जाते हैं अपनी कुर्सियों का। सभी को है भी यहाँ मुझे मिल जाए, आपको पता ही है गुटबाजियां हो रखी है आजकल, पार्टी हर पार्टी में गुटबाजियां हो रखी है, जैसे की शैलजा जी का और उनका हुआ भी विवाद, पता ही है आपको, ठीक है। और इस पार्टी का एक सबसे बढ़िया ये है कि जो हाईकमान से ऑर्डर आता है वही सारी पार्टी वही मानती है, चाहे बड़ा है कहीं चाहे छोटा है, ठीक है जी। और इस बार हरियाणा में इनेलो की और बसपा की गठबंधन की सरकार बनेगी ही बनेगी, प्योर है। बिल्कुल प्योर है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, कितने लगा? मैं 1,12,00,000 रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिरसा जिले की 500 सीटों पे मैं शर्त लगाना चाहता हूँ 12,00,000 रुपए की। कोई भी तैयार हो 9896546541 कॉन्टेक्ट है मेरा, मेरे को कॉल कर सकता है। गाँव बढ़ोलिया वाली तहसील रानिया जिला सिरसा, ठीक है जी। एक बार नंबर रिपीट और कर दीजिए, 9896546541। रानिया की जबरदस्त जीत होगी, अर्जुन चौटाला की, रणजीत सिंह चौटाला चौथे नंबर पे चल रहे हैं फिलहाल। हाँ जी सर, क्योंकि वहां के मंत्री थे, काम किनका हुआ, जो ऊपर चमचे थे उनका काम हुआ है, नीचे वाली जनता का नहीं काम हुआ वहां पे। दूसरी बात, तीन कमो यात्री कमो अपने बिरादरी के तीन कैंडिडेट खड़े हैं, वो आपस में वोट बंट गई उनकी, ठीक है जी। अर्जुन चौटाला को मायावती जी का साथ मिल गया, इन्हें लोग की पक्की वोट थी वहां पे, इस कारण अर्जुन चौटाला वहां से भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या नाम है जी? अनिल जी। कौन सा हल्का है? नरवाना हल्का जी। अच्छा, क्या लगता है आपकी बात? अरे भैया, एक तरफा है इनेलो बसपा गठबंधन। अच्छा, हाँ जी। आज थाना के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? अरे ये गठबंधन का रैली भैया जी, पूरा हरा और नीला हो चुका है, पूरा उचाना हरा और नीला। ये भाई साहब नजर जाती है, ये रैली नहीं भाई साहब, ये रेला है, मायावती जी का मेला है। हाँ जी, इसमें गठबंधन के साथ अपने बताए चौटाला सरकार लेके चलेंगे, दम लेंगे तभी। अब अपना ये देख रहे हो जी, कितनी तादाद में लोगों गया था यहाँ पे, तो ये समझ लो अब आसमान भी लीला गया, सारा सुधा लीला रब रहा है। परशुराम। कौन सा हल्का है? नारनौंद। अच्छा, क्या लगता है नारनौंद क्षेत्र का? लाल करो जी, क्या लगता है? इतने बाद इतना बड़ा समुद्र उमड़ पड़ा है आज देवीलाल की रैली में, आज यह तो मैं पता नहीं कमा ये जन्मदिन है, 90 माह 95 माह कितना है लोगों का इतना बड़ा झंडा। हाँ, हर बार जब भी देवीलाल के जन्मदिन पर रैली होती है मैं हर बार झंडे को लेके आता हूँ। आपने पहले नहीं देखा कभी? नहीं। तो इसके मतलब आप पहली बार आए हो? तो मैं तो 25 साल हो गए जी, 1998 में इनेलो ज्वाइन करी थी, तो उससे मैं हर साल देवीलाल के जन्मदिन पर रैली में जरूर आता हूँ। कैसे पैदल आते हैं, कैसे गाड़ी? नहीं, गाड़ी के अंदर आते हैं, पैदल ले आते हैं। ठीक है, तो हरे कपड़ों में हरे झंडा। हाँ हाँ, इनेलो बीएसपी का गठबंधन है और एक तरफा माहौल है, भाई अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी भाई साहब ऊंचे अनाल का से। हाँ, एक तरफा माहौल है, लेकिन देख ले इतनी भीड़ कौन सी रैली में नहीं पाओगी जितनी अड़ा है, दोनों पार्टियां पूरा जोर है, एक तरफा जीतांगे, कम से कम 40 सीट काटेगी। हाँ, दोनों पार्टी 40 सीट काटेगी भाई साहब, सबसे है नू को नहीं मुंह ध्यान रखे है, कोई कोई सारे किसान मजदूर है जी, यहाँ कोई नू को नहीं पैसे दे कर रखे। कांग्रेस और बीजेपी में तो लोग आना ही बिल्कुल पसंद करते, एक ये ईमानदार पार्टी है इनेलो और बीएसपी, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं। अभय सिंह का सच्चा नेता ना तो हरियाणा में है ना कोई होगा, सच्चे है अभय, सच बोलता है हमेशा, किसान इस्तीफा दिया कल अभय सिंह चौटाला ने दिया, इस करके देख ले सारी भीड़ है उसे एक गला एक बंदा करके जमा एक तरफी जीता है। अच्छा, ये गठबंधन है या नहीं? बहुजन समाज पार्टी की जीत आएगी, 1,000 तरफा जीता, 11,000 वोटों से नरवाना से जीते ही, कितना नाम है बात हीरा सिंह जी। अच्छा, कौन सा हल्का है? सिरसा जिला जी, रानिया, रानिया हल्का। क्या लगता है रानिया में इसकी बार? रानिया अर्जुन जीतेगा जी। अच्छा, बोल दबा भाई, आज उचाना के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? हमें तो लगता है जी कम से कम 10-15 सीटें लेके जाएगा जी इनेलो पार्टी की। हाँ जी, पूरा मोबाइल है जी, दबदबा तो पूरा है जी, फुल है जी, पूरा आराम नाल जितने की कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या नाम है? सनम। अच्छा, कौन वाला साल का है? रानिया दीपक पार्टी की साल है। अर्जुन जीतेगा। आज उचाना के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? कितनी भीड़ है? भीड़ तो बहुत है जी, बहुत ज्यादा भीड़ है। अमरीक मान जी। अच्छा,
रैली से लग रहा है 15 सीटें तो इनेलो ले जाएगी और 7-8 सीटें यही नहीं छोड़ते जी बसपा वाले। रैली को देख के लग रहा है कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। अगर भीड़ देख के तो ऐसे लग रहा है सारी सीटें ये लेके जाएंगे। क्या नाम है जी? सुरेंद्र है। अच्छा इन सालों का दोनों गठबंधन से मजबूत कैंडिडेट है, दोनों पिछड़ जाएंगे बीजेपी वाले भी। रैली ज्यादा लग रहा है, बाकी काफी रैली बहुत काफी भीड़ है। ये पहली बार देख रहे हाथों से फतेहबाज से बड़ी जल्दी रैली कामयाब है। काम जिंदा टेम है, लोग धानों में लगे हैं, कपास बाड़ी में लगे हैं, काम का बहुत टेम है। पीछे मजदूर भी मेरे झाड़ी थे और ये अपनी फरी से लगा के आ रहे हैं, अपना रस्ते पाड़ा लगा के आ रहे हैं सारे, कोई पीछे अपना लालच में नहीं आ रहे हैं, अपनी मेल से पाटे हिसाब से इनके लिए आ रहे हुए ये पीछे मुझसे। धर्मपाल लुड्डा शेरपुरा हल्का सरसा। हाँ जी केला का अबकी बार सरसा? अब का सरसा 500 सीट मारी। अच्छा इनलो की आज उचाने में रैली आयोजन रखे गए, किस प्रोग्राम है? प्रोग्राम जरकी द्वारा 10 लाख आदमी इकट्ठा भगाए पे पूरे माहौल है, पूरा माहौल तकड़ो जबरदस्त। ठीक बजरंग सिंह नाम है का। अच्छा। लगा से सिरसा का बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है। हमारे सिरसा में तो 5 सीट है, 500 सीटों में लगभग 500 सीट काट जाएगी। बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है उचाड़ा में, यहाँ आके भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया भीड़ देखी है, बढ़िया माहौल है। पूरे भारत में मोदी को आना रैली कर रहा है, उससे भी 3 गुना बड़ी रैली है। आप देख लेना आज गुआना मोदी की रैली है, यहाँ पे देख लेना इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, सबसे बड़ी रैली यही है। ऐसा लग रहा है रैली के माध्यम से कि हरियाणा में आने वाला अब सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होगा, बहन मायावती से दिलाएंगे आके। बहुत बड़ी लोगों में इतना रुझान है, सब हर वर्ग में आगे चौटाला प्रति बहुत आस्था, बहुत ज्यादा किसानों का भला किया तो चौधरी देवीलाल परिवार ने किया। आज तक किसान कमरे की लड़ाई है, ये लुटेरों के खिलाफ लड़ाई है और बहन मायावती जी आ रही है। किसान कमरे एक तरफ हो गए, अब ये लुटेरे भूपेंद्र जो सेटिंग कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा आज से। तो इसलिए मैं सिंह चौटाला इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या नाम है जी? शिवाशी है। कौन सा हल्का है? हल्का कौन सा हल्का? हल्का में रानी है भाई। अच्छा क्या लगता है रानी में उसकी बार? अब की बार चार बजे जीतेगा ये। आज तो पूरे नाच रहे हो, खुश हो पूरे? हाँ खुश है, हमारी जीत है जी। अरे अर्जुन चौटाला हमारे जीत है, हम नाच रहे हैं अर्जुन चौटाले के साथ हैं, हम अर्जुन चौटाला जीतेगा। आज उचाणा के अंदर इतनी बड़ी रैली की गई है, क्या कुछ कहेंगे? अपने यही कहेंगे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बात है, हम ऐसी सरकार आएगी हमारी और चुटाले की सरकार आएगी, हम बहुत खुश है। एक गरीबों की ये हमारे बात, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक मिनट बात सुन लो मेरी। मैं सुभाष कुमार चामल से हूँ, एक गरीबों को साथ देने वाला यही है, गरीबों की बात करने वाला यही है। जो कुछ भी करता है केवी लाल चुटाले ने जो किया है वो कुछ ना कर सकेगा, कृष्ण उसने बनाई है हमारी, ठीक है कृष्ण उसने बनाई है और अच्छा काम करे उसने। हमारा नाली का बनना, हमारा काम डूब जाता था, हमारा नाली का नाली आती थी, हमारे नाल गाँव में नाली जाती है गगर नाली, उसको गगर नाली बोलते हैं, गगर नाली बोलते हैं उसको, उसके नाली आती थी, देवीलाल चुटाले ने हमारे को बचाया है, ठीक है। हमारे गांव में लाइट नहीं थी। बलविंदर, अच्छा कौन सा हल्का है? कलायत। क्या लगता है अब की बार? कलायत अब की बार बढ़िया लग रहे जी। किसका है? बसपा का है। अच्छा हाँ, तो उचाणा के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन रखा गया है, क्या कुछ कहना? बस बढ़िया जी, जो भी होगा बढ़िया होगा। हाँ
क्या नाम है? कौन सा हल्का है? अपना टुहाना लोग। अच्छा, क्या लगता है टुहाना की बात? टुहाना में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ उचाना के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन रखा गया, क्या कहना चाहते हैं? ये लहर है, एक तूफान कह सकते हैं आप। ये तूफान बदलाव का तूफान है। आप जितने तक नजर मारोगे आपको बंदे ही बंदे नजर आएंगे। इधर भी नजर मार लो, आप ले लो बसपा गठबंधन का ये तेल का है। आज सारी पार्टियां घबराई हुई है, बदलाव चाहती है पब्लिक। ये आप दिखाओ इनको सबको इतनी पब्लिक। क्या नाम है जी? राजकुमार जी। कौन सा हल्का है? हल्का उपलाना जी। अच्छा, क्या लगता है उपलाना में इसकी बात? उपलाना बहुत बढ़िया माहौल है भाई सबर वाला का। आज उचाना के अंदर इतनी बड़ी रैली रखी गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उचाना के अंदर रैली रखी गई, उचाना के अंदर ही। हाँ, उचाना की बात कर रहा हूँ, उचाना के अंदर। बहुत बढ़िया माहौल है, खुल के सरकार आएगी। कितना माहौल है, कितनी भीड़ है लोगों की? कम से कम भी 15-20 लाख। जी जी, बढ़िया माहौल है, अच्छी सरकार आएगी, कोई वो बात नहीं है। शिक्षा के अंदर 5 सीटों दे रहे हैं हम, शिक्षा के रहने वाले काला वाले हल्का दुआनिया बड़ा बड़ा ये सारे शिक्षा के पांचों सीटें दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बना रहे क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम अमनदीप है, मैं जिला हिसार का निवासी हूँ और फिलहाल मैं लॉ कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, हल्का कौन सा पड़ता है? हल्का जी आदमपुर पड़ता है मेरा। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार आदमपुर? अब की बार जी गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। बिल्कुल, आज उचाना के अंदर इतनी बड़ी रैली रखी गई है, क्या कुछ लगता है? आज जी पूरा माहौल ही बदल जाएगा, आज की रैली के बाद हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में पूरे इनेलो बसपा का प्रचार होगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में।